दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40x40 हाउस प्लान की फिथ कार पार्किंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 40 फीट चौड़ाई में और 40 फीट लंबाई में ये घर बना है। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मॉडल आपको कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो स्मॉल हाउस प्लान को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, जिससे आप लगातार फायदा उठा सकते हैं हमारी वीडियो वॉच करके। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिजाइन किया है। 40x40 का बेहतरीन सा प्लान है, आप ये देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर डिजाइन किया है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कार पार्किंग की व्यवस्था और आपको बेहतरीन से बड़े बड़े रूम और हॉल मिल जाता है, जो कि इस घर को सूटेबल बनाता है। और साथ ही साथ ये आपको सामने 3.5 से 4 फीट का पार्किंग एरिया भी मिल जाता है। इसमें आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं। और पूरा मॉडल चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं आपके ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरीके इसको ट्रांसपेरेंट करके मॉडल दिखा देता हूँ। जैसे इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है। ये देखिएगा ट्रांसपेरेंसी में, ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। पूरा आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डिज़ाइन आपको दिखता है। टॉप की बात करें, टॉप से व्यू आपका ऐसा है, और फ्रंट की बात करें, फ्रंट से आप ऐसा देख पा रहे होंगे। इसको रिमूव कर देते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी और ले चलते हैं इसको ओरिजिनल पोजीशन पर। और सबसे पहले इसका डिस्कस करते हैं हम ग्राउंड फ्लोर। तो फ्रंट की बात करें तो ये फ्रंट से सामने से आपको ऐसा व्यू मिलेगा। ये इसका मेन डोर है, जहाँ पर आप ये अपनी फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। ये डिजाइनिंग का पार्ट है जो चारों तरफ से बाउंड्री है, और यहाँ पे 3.5 से 4 फीट का ये आपको एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं कार पार्किंग की जगह, तो फिर आपको यहाँ पर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए ये वाला डोर दिया है। लेकिन एक मैंने जो हॉल बनाया है बाहर, इस हॉल पर जाने के लिए यहाँ से मैंने डोर दिया, बाहर से भी ये एक विंडो दिया है बड़ा सा। और इस वाले हॉल मेन गेट से जैसे आप अंदर जाते हैं तो आप अंदर इंटर कर जाते हैं, और अंदर जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे को मैंने 3.5 से 4 फीट का ये एरिया छोड़ा है आपका, जिसमें वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना, ऊपर से आप नीचे तक यहाँ पर धूप आती रहेगी। और साइड में मैंने एक तरफ लेटरिन बना दिया है और एक तरफ बाथरूम बना दिया है। और ये देखिएगा, ये आपका किचन एरिया है, यहाँ पर आप किचन इस्तेमाल करेंगे। 2 बेडरूम मिल जाते हैं, एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है आपको, यहाँ पर देख पा रहे होगे ये फ्रंट में। और सभी विंडो बहुत मतलब वेंटिलेशन सारी चीज़ें व्यवस्था, देखिए जो पीछे जगह है वहाँ से भी मैंने विंडो दिया है दोनों रूम में। और इस रूम के लिए आप, ये मेन डोर है दोनों का, और फ्रंट से भी विंडो है, किचन में भी फ्रंट से विंडो है, और ये इसका मेन डोर है। ये आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और ये एक बड़ा सा हॉल जो कि आपको बेहतरीन लुक देता है इस मकान में। अगर दोस्तों इस मकान का आपको एरिया पता करना, मतलब कि आपको हर एक रूम का एरिया, या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर आए जिसका नाम है smallhouseplan.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां पर आकर इस मॉडल को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इसका आपको मात्र 99 रुपीज़ चार्ज मैंने दोस्तों रखा। आप इसको एड टू कार्ड करके अपनी इन्फॉर्मेशन भर के, नाम पता एड्रेस ये चीज़ें, और इस मॉडल को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद आपकी प्रोफाइल में ये सेव हो जाता है जिप फाइल में। आप जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2D images, 3D images मिल जाती हैं विथ डायमेंशन और विथ नेमिनेशन। तो सब कुछ आपको मात्र 99 रुपीज़ में मॉडल मिल जाता है। अगर ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम इसके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर देखिए, फ्रंट से आपको ऐसा दिख रहा होगा, सामने से मॉडल ऐसा दिख रहा है। जैसे स्टेयर्स के माध्यम से आते हैं तो सारी चीज़ें वही हैं, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो, सब कुछ वही है। बस आपका जो बदला, ये रेलिंग बदल गई, थोड़ा स्टाइलिश पर रेलिंग बना दी है मैंने चारों तरफ से, आप देख पा रहे होंगे। और सब कुछ आपका वही है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इसका। ऊपर ये स्टेयर्स को मैंने ढक दिया, ये पूरा मॉडल ये झरोखे बना दिए, चारों तरफ 3.5 से 4 फीट के बाउंड्री है। ये पूरा मॉडल आप देख पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत मॉडल है 40x40 विद कार पार्किंग। तो ये मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपका भी कोई रिक्वायर्ड मॉडल है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका मॉडल जरूर डिजाइन करूँगा। और हमारे चैनल से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं, प्लीज़ जरूर जुड़ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।